Okay, so as in previous session, we have already installed inquirer.js. क्या होता है वो भी हमने देख लिया, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था. तो अभी हम सीधा इसके सम टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स इन inquirer.js. अब इसकी हमने सिर्फ दो टाइप्स पढ़ी थी अगर आप लोगों को याद हो तो. अच्छा, इस पे हमने सेशन कर लिया है, ठीक है. वीडियो जो है वो जिनको जिन्होंने नहीं देखी वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी inquirer.js की, ठीक है. तो और उसका मैंने सेटअप भी ऑलरेडी बना दिया है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसलिए मैंने ऑलरेडी पूरा फोल्डर बना के उसके अंदर के जो जो सेटअप है, जो 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 हमें प्रोसेस करना है वो सारा मैंने यहाँ पे कर दिया है. आप लोगों को नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं inquirer.js वाली, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है. तो कल हमने जो पढ़ा था यानी प्रीवियस सेशन में जो हमने पढ़ा था वो इनपुट और नंबर देखा था. इनपुट में हम जो भी चीज़ इनपुट कर रहे थे वो एज ए स्ट्रिंग हमें मिल रही थी, और अगर कोई हमें नंबर यूजर से प्रॉम्प्ट में लेना हो रहा था तो हम टाइप नंबर यूज कर रहे थे. तो आज हम उसके मजीद कुछ टाइप्स देख लेते हैं, लिस्ट, चेक बॉक्स, कंफर्म, ठीक है. तो ये टाइप्स देखेंगे और इन पे इंशाल्लाह हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे. तो आते हैं यहाँ पे भाई, फाइल मैंने क्रिएट कर ली है. सबसे पहले जैसे हम इम्पोर्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे इंक्वायरर को इम्पोर्ट करूंगा, ठीक है. तो क्योंकि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा यहाँ पे. तो अच्छा, कल जो हमने वेरिएबल बनाया था वो इस तरह बनाया था, कॉन्स्ट आंसर के नाम से, ठीक है. इक्वल्स टू के बाद हम यहाँ पे अवेट लिखते हैं, उसके बाद स्पेस के बाद इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट. ये इसका सेंटेक्स है, ये एज इट इज फॉलो करना है हमें. और यहाँ पे प्रॉम्प्ट के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे, उसके अंदर स्क्वायर ब्रेकेट दे के एंटर करके हम ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट कर लेंगे इस तरह से. अब इसके अंदर हमें तीन चीजें हमने कर दी थी, एक तो टाइप इनपुट किया था हमने यहाँ पे एज इट इज, जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ. सबसे पहले नेम में हमने नेम दिया था, ठीक है. और यहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं कि प्रॉम्प्ट में क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज योर नेम, ठीक है. आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर था. क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में, अगर क्लियर है तो आपके इंट्रोडक्शन की सख्त ज़रूरत है. यहाँ पे सेशन में आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर कर दिया करें चैट बॉक्स में. तो अच्छा जी, अच्छा ये जो सेंटेक्स है ये ज़रूर फॉलो करना है. कामा देनी है, जहाँ पे आपका ये खत्म होता है स्टेटमेंट वहाँ पे कामा देनी है, ठीक है. कामा हटा देंगे तो एरर आ जाएगी. इस तरह से सेंटेक्स को फॉलो करना है. अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट में जो चीज़ पूछ रहे हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं. तो लेट से अगर मुझे यहाँ पे कंसोल में प्रिंट, अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आस्क क्या कर रहा हूँ यूजर से, व्हाट इज योर नेम, उसका नाम पूछ रहा हूँ. तो ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसको आप लोगों ने समझना होगा. टाइप में हम जो है वो टाइप बनाते बताते हैं कि भाई क्या इनपुट लेना है, स्ट्रिंग लेना है या नंबर लेना है. नेम में जैसे मैंने नेम लिख दिया ना, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूअर नेम भी कर सकते हैं, ठीक है. इसको सेव कर लेते हैं. और इसके अंदर अगर मुझे यूअर नेम को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ये जो वेरिएबल बनाया है आंसर के नाम से उसको लिख के, जैसे हम की को एक्सेस करते हैं अगर किसी को ऑब्जेक्ट्स का पता है तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, आंसर डॉट यूअर नेम. इस तरह से मेरे पास जो यूजर इनपुट करेगा वो मेरे पास आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको वॉच मोड में मैं कंपाइल पे लगा लेता हूँ. वॉच मोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा. मीन वाइल मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा. तो प्रिंट करवाने के लिए हम नोट की कमांड यूज करेंगे. अच्छा, चैट बॉक्स में रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, ठीक है. अच्छा, तो व्हाट इज योर नेम आ गया यहाँ पे. मैं यहाँ पे अली प्रिंट करूंगा. तो ये जो मैं यहाँ पे अली लिख रहा हूँ बेसिकली इसको इनपुट दे रहा हूँ, ये इनपुट हमारा योर नेम के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है. योर नेम यहाँ पे एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, ये समझे. तो योर नेम को एक्सेस करने के लिए मैं कैसे एक्सेस करूंगा, सबसे पहले तो जो मेन वेरिएबल है उसका नाम लिखूंगा. यहाँ पे आंसर लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे इस डॉट दे के इसका ये चीज लिख दूंगा मैं. तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरा ये अली आ जाएगा और मुझे यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखा देगा जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ठीक है. तो देखें कंसोल डॉट लॉग वाला स्टेटमेंट मेरा रन हो गया, ठीक है.
अगर मैं ये रन नहीं करता, ये नहीं यहाँ पे लिखता, तो जस्ट यहाँ पे एंटर करने के बाद कुछ भी नहीं होता और यहाँ पे नई लाइन स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ तक क्लियर है आई थिंक, ये सारा रिपीट था। बाद हम देख लेते हैं, अच्छा यहाँ तक तो हमारा सारा रिपीट था, ठीक है। तो इनपुट के बाद हमने नंबर भी देके देख लिया था, ठीक है। अच्छा नंबर के बाद जो आते हैं टाइप्स, एक आता है लिस्ट, जो बड़ा कॉमनली यूज हो रहा होता है लिस्ट के टाइप्स करता है। अब लिस्ट कैसे काम करता है, लेट से मुझे यहाँ पे लिस्ट बनानी है, किस चीज की लिस्ट बनाए, फ्रूट लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो मैं इसका नाम भी यहाँ पे फ्रूट रख लेता हूँ, और यहाँ पे आंसर का ये भी चेंज कर सकते हैं आप, आंसर की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं आस्क फ्रूट बना दें। चलिए आस्क फ्रूट नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और उसके अंदर टाइप लिस्ट, अब मैंने टाइप चेंज कर दिया। अब एक चीज याद रखिएगा, नेम और मैसेज जो है वो तो हर ब्लॉक में आएंगे ही आएंगे, जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे इंक्वायरर का उसमें ये दोनों चीजें तो आती ही आती हैं। और इनके नाम क्या रखने हैं ये आप लोगों के हाथ में, मैसेज भी क्या टाइप करना है वो भी आपके हाथ में। तो इसका नाम मैंने फ्रूट रख लिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट कर लेते हैं। चले व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। अच्छा जी, तो टाइप जब लिस्ट हम यूज करते हैं तो एक और हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर देते हैं, वो होता है चॉइसेस का, ठीक है। चॉइसेस, और यहाँ पे हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे, ठीक है। अगर जिनको पता है एरे तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो यहाँ पे देख लें एरे किस तरह बनता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें चॉइसेस लिखनी है, तो चॉइसेस में मैं एक मैंगो रख लेता हूँ, एप्पल रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पीच रख लेते हैं, और यहाँ पे हम लीची रख लेते हैं, ठीक है। तो ये चार फ्रूट्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो ये चार चीजें, बस ये एक्स्ट्रा चीज देनी होती है जब भी हम लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट तो कर लिया, अब मैं कंसोल के अंदर अगर इसको प्रिंट करवाना चाहूंगा तो इसका जो वेरिएबल का मेन वेरिएबल का नाम होगा वो यहाँ पे लिख दूंगा, और डॉट के बाद यहाँ पे जो ये मैंने नेम के अंदर जो लिखा होगा, जिसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा अपना आंसर, वो लिख दूंगा। तो वो मैंने फ्रूट लिख दिया यहाँ पे। अब इसको मैं कंपाइल के बाद यहाँ पे करूंगा नोड मैन डॉट जेएस। तो अब देखें इस, ये जो प्रॉम्प्ट आ रहा है हमारे पास, इसमें मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा यूज एरो कीज की मदद से। देखें यहाँ पे मैं इसको टॉगल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ भी मैं किसी पे एप्पल पे रख के एंटर करूंगा तो एप्पल जो है मेरा वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगा, और जो ये जो वैल्यू होगा ये फ्रूट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसको एक्सेस इस तरह करेंगे वो कंसोल के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो जैसे ही एंटर किया तो देखिए यहाँ पे कंसोल के अंदर यहाँ पे एप्पल आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है, योर फेवरेट फ्रूट इज, स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे मैं कामा दे देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, और दोबारा मैं प्रिंट करवा लेता हूँ नोड मैन डॉट जेएस। और अभी मैं मैंगो को एंटर कर लेता हूँ, तो योर फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। तो ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे क्लियर लिख दें चैट बॉक्स में, आई थिंक इट वॉज वेरी इजी, तो समझ आ गया होगा। चॉइसेस नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। चलें ये भी चेक कर लेते हैं, चॉइसेस मैंने हटा दी है यहाँ से, तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता लिस्ट के लिए, हमेशा हमें चॉइसेस लिखनी पड़ती हैं। तो देखें यहाँ पे एरर दे दिया इसने, ठीक है, क्लियर है। इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, माइक ओपन करके आप सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बस ये प्रॉम्प्ट का टाइप, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट का टाइप, ठीक है। प्रॉम्प्ट के टाइप्स हैं ये, आप नंबर भी आस्क कर सकते हैं, स्ट्रिंग इनपुट टाइप आस्क कर सकते हैं, लिस्ट वाइज आस्क कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कौन से टाइप्स आते हैं हमारे पास, चेक बॉक्स आता है, कन्फर्म आता है, ठीक है। अब ये क्या है, इनको वन 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 बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा लिस्ट पे हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लिस्ट का जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो इसका जो कॉमन एग्जांपल होता है कैलकुलेटर बनता है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर बना के देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा सबसे पहले, और इसका नाम रख लेता हूँ माई कैलकुलेटर, ठीक है, इक्वल्स टू अवेट स्क्वायर डॉट कॉम, और ब्रैकेट स्टार्ट, मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कल मैंने जैसे बताया था, आप लोग इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, तो अभी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइप बना लेता हूँ, और टाइप के अंदर मैं लिस्ट ही रख लेता हूँ, ठीक है।
कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये हमारा टाइप आ गया, ठीक है। टाइप के बाद हम आते हैं, क्या बनाएंगे यहाँ पे, नेम। जैसा कोई माइक ऑन करके इंटरेक्शन करना चाहे, मुझे बताना चाहे फॉलो, तो मुझे बता सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेम में मैं क्या लिखूंगा, नेम। अच्छा, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट लिखा है, तो लिस्ट के अंदर मैं कैलकुलेटर में चार चीजें, चार ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं एडिशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, लेट से यहाँ पे सम कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ पे नंबर चॉइस कर ले, ऑपरेशन कर लेते हैं इसको। मुझे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, एडिशन का, तो मैं इसको नाम ऑपरेशन दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं मैसेज लिख लेता हूँ, मैसेज के अंदर क्या लिखें भाई, व्हाट ऑपरेशन, व्हाट, अब ये कौन से ऑपरेशन है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन से, ठीक है, व्हाट ऑपरेशन यू वांट परफॉर्म। उसके बाद मैं नीचे लिस्ट बना दूंगा, कॉमा के बाद आते हैं चॉइसेस। चॉइसेस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, कॉमा करके हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीजन, ठीक है। अब ये चार कंडीशन, चार चॉइसेस मैंने लिख दी। अब चॉइसेस तो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चॉइसेस सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक बना लेता हूँ, और चॉइसेस सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यूजर को कहूंगा, यूजर से चलें दो नंबर इनपुट में ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप में नंबर लिख लेता हूँ, नेम में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका नंबर वन कर लेते हैं, नंबर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा मैसेज आएगा, मैसेज में हम क्या लिखेंगे, नंबर, चलिए, तो बस तीन ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आमा, यहाँ पे नंबर, नंबर ही आएगा दूसरा भी, और इसको नंबर टू कर लेते हैं, एंटर अदर नंबर। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको सेव करके जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है, मैंडो, तो इनमें से मैं कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, लेट से मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो एंटर कर दूंगा, एंटर फर्स्ट नंबर। अब किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं 10 को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ 8 से, ठीक है, तो दोनों नंबर मैंने एंटर कर दिए। अब इनपुट तो मैंने तीनों दे दी, देखिए तीन इनपुट आ रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन इनपुट मैंने दे दी। अब इन पे काम कैसे करवाऊंगा, काम करवाने के लिए मैं यहाँ पे कंडीशन बना सकता हूँ। अब ये हमने पढ़ी है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी, अदरवाइज जिनको जावा स्क्रिप्ट आती है तो उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, कोई मसला ही नहीं। तो भाई आते हैं, इफ कंडीशन बना लेते हैं। अब कंडीशन किसकी बनानी है, कंडीशन इस चीज की बनानी है कि अगर यूजर देखना भी तो है भाई क्या करना चाह रहा है, मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, ऐड करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर कंडीशन बना दूं कि भाई इफ, अब ये मल्टीप्लाई और ये जो ऑपरेटर है ये कहाँ जा रहे हैं, किस नाम में स्टोर हो रहे हैं, ऑपरेशन में, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा, इसको यूज करके डॉट लगा के ऑपरेशन लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई अगर माय कैल डॉट ऑपरेशन बराबर हो, इसके यहाँ पे तीन इक्वल दे देते हैं, ठीक है, अगर 8 के बराबर हो, मतलब यूजर ने अगर 8 सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो स्पेलिंग यहाँ पे यूज की हो एज इट इज वहां पे रखनी है, ठीक है, स्पेलिंग, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो भाई क्या करो, तो भाई कंसोल के अंदर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह कर सकता हूँ, नंबर वन, सॉरी 8 करना है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, नंबर टू, नंबर वन में क्या करना है, नंबर टू प्लस करना है, लेकिन नंबर वन और नंबर टू को एक्सेस कैसे करूंगा, पहले माय कल लिखूंगा, उसके बाद डॉट लिख के नंबर लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय एल डॉट नंबर, यहाँ पे लिखूंगा माय कल डॉट नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बस मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में क्लियर लिखते जाएं, ठीक है।
इफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन ओपन योर माइक्स। ठीक है, तो कंसोल के अंदर मैंने दोनों को प्लस करवा दिया। ठीक है, और मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्केटिनेट करवा लेता हूँ कि भाई द सम ऑफ नंबर्स, ये हमारी एडिशन आ जाएगी। सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं, काम करता है कि नहीं करता। सेव कर लेते हैं इसको, जेस। मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, ऑप्शंस में से 8 सिलेक्ट करूंगा, एंटर किया। अब उसके बाद मुझे नंबर पूछेगा, तो मैंने 10 एंटर कर दिया, 12 एंटर कर दिया। ठीक है, तो द सम ऑफ योर नंबर इज 10, 12। अब ये इस तरह क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो कॉन्केटिनेशन क्यों हो रही है, हमें तो एडिशन चाहिए दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, कौन बताएगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर टाइप नंबर है, ठीक है, टाइप नंबर है, तो टाइप नंबर है तो दोनों को ऐड होना चाहिए था, तो इस तरह क्यों हो रहा है। चलें फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा के और दोबारा इस तरह से कर लेते हैं। तो आते हैं नोड मैन डॉट जेस, एंटर किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 8 सिलेक्ट करूंगा, नंबर 10 एंटर किया, नंबर 12 एंटर किया, देखिए 22 दे रहा है। ठीक है, तो अब तो सही दे रहा है, पहले सही क्यों नहीं दे रहा था। पहले इसलिए सही नहीं दे रहा था कि हमारा जो डेटा टाइप है वो आई गेस हो सकता है मिक्सअप हो रहा है, इस वजह से नहीं दे रहा था। तो हम एक काम करते हैं, इसको जो कॉन्केटिनेशन वाला टेम्पलेट डिटेल्स वाला तरीका है उसके अंदर रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ द सम ऑफ योर नंबर्स। अच्छा, ये चीज है ना, इनका ध्यान रखना है, कभी कभी इस तरह भी हो जाता है जैसे मेरे साथ हो रहा है। तो इसको मैं पूरे को उठा के सम को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि अब ये काम कर जाए, सेव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिशन को सिलेक्ट करूंगा और 1 2, तो हमारे पास द सम ऑफ योर नंबर्स इज 3। ठीक है, ये एडिशन का तो हमारा हो गया। इसी तरह हम इफ एल्स, एल्स इफ किसी का होता है, पार्ट होता है, तो वो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ऑपरेशन बराबर हो, सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेनी है, जो ऊपर लिखी है वही एज इट इज स्पेलिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया था, तो ये काम नहीं करता हमारा। ठीक है, वैसे के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, यहाँ पे लिख लेंगे द डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ योर नंबर्स इज, अब डिफरेंस कैसे होगा, यहाँ पे माइनस देनी पड़ेगी। ठीक है, सेव कर लेते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और एल्स इफ लगा लेता हूँ, इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, परसेंटेज कैसे लिखेंगे, चलें वो भी देख लेते हैं, परसेंटेज कैसे लिखेंगे, चलिए ये कर लेते हैं। तो एल्स इफ, अब ऑपरेशन हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख दिए यहाँ पे, फिर भी चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, एस्टेरिस जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा द प्रोडक्ट। दोबारा इसको कॉपी किया। अच्छा, अब यहाँ पे एल्स इफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि इसके, इन तीनों के अलावा तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो एल्स का मतलब ये है कि अगर इनके तीनों के अलावा अगर कोई और ऑप्शन सिलेक्ट कर ले तो क्या करे, तो जाहिर सी बात है इसके इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन होगा वो डिविजन ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द क्वेश्चन, डिविजन का जो आंसर होता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ योर नंबर्स इज। ठीक है, या यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्वोशंट ऑफ डॉलर माय कैल नंबर 1। ठीक है, एंड डॉलर सिंबल, ठीक है, माय कैल नंबर 2, ये हटा दें। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2, द क्वोशंट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, यहाँ पे हम डिवीजन दे देंगे। ठीक है, और इसको कर लेते हैं सेव।
अब हम चला लेते हैं इसको, नोड नोड जेस। अच्छा बताएं, चैट बॉक्स में क्लियर हो रहा है? इंटरेक्शन बहुत स्लो है आप लोगों की। नींद तो मुझे आ रही है, आप लोगों को क्या हो गया? नींद तो मुझे आ रही है, बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तो चले कंटिन्यू तो करना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिलेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब 10 में से 5 करवा लेते हैं। मैंने पहला नंबर 10 लिखा, दूसरा 5 लिखता हूँ। ठीक है, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया? द डिफरेंस ऑफ ये नंबर इज 5। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया किस तरह काम हो रहा है हमारा? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, ये देखें, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ खत्म ना हो, दोबारा मुझसे पूछे कि भाई आप दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? तो आप एक और काम करोगे, आप और एक ब्लॉक बना लो। ठीक है, यहाँ पे एक और काम करते हैं, एक काम करते हैं, बना सकते हैं हम ब्लॉक, या उसके लिए लूप, उसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ेगा। लूप अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है, तो येस लिख लें चैट बॉक्स में। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली सही बताया आपने, लूप यूज करना पड़ेगा हमें। तो लूप काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, काफी न्यू मेंबर्स हैं यहाँ पे जिनको जावा स्क्रिप्ट नहीं पता। तो चलें अभी आते हैं हम दूसरे टाइप के ऊपर। लिस्ट तो हमने यूज करके देख लिया, ठीक है, इन पे मैं होमवर्क आप लोगों को दे देता हूँ। उसके बाद चेक बॉक्स है हमारा, ठीक है, कंफर्म है। अब चेक बॉक्स और कंफर्म इनको भी यूज करके देख लेते हैं किस तरह यूज करना है। तो आते हैं यहाँ पे, इसको कमेंट कर लेते हैं, फिर हेडिंग लगा लेते हैं लिस्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, हमारा लिस्ट प्रॉम्प्ट हो गया, इस पे हेडिंग लगा लेते हैं 1। ये हमारा इनपुट प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू रिमाइंड ऑल द नेम्स। अच्छा, इसके बाद मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, क्या करना है हमें, चेक बॉक्स कर लेते हैं। चले, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ भाई 3 बॉक्स। प्रॉम्प्ट कहते हैं मतलब जो चीज हमें यूजर से पूछनी हो उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो इम्पोर्ट हमारा किया हुआ है, ठीक है, इम्पोर्ट हम ऊपर ही करते हैं हमेशा। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं भाई कॉन्स्ट। ठीक है, वेरिएबल, अच्छा सारा तरीका सेम है, सिर्फ हमने टाइप में चेंज करना है, टाइप में चेक बॉक्स करना है। तो मैं यहाँ पे अभी कंफर्मेशन का बना रहा हूँ, ठीक है, अभी किसका बना रहे हैं, चेक बॉक्स का बना रहे हैं। तो चेक बॉक्स में, चेक बॉक्स किस तरह होता है, जाहिर सी बात है 3 4 ऑप्शंस होते हैं, उन्हें हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई मुझे लेट से यहाँ पे पिज्जाज बनाने, पिज्जाज मंगवाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पिज्जा बाय का एक वेरिएबल बना देता हूँ और अवेट करवा लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर और डॉट प्रॉम्प्ट के बाद क्या बताएंगे, पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के बाद हम यहाँ पे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे ब्लॉक हम अपना बनाना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप में क्या लिखूंगा, टाइप में लिखूंगा चेक बॉक्स। देखिए मुझे सजेशन भी दे रहा है बीएस कोड। अच्छा, उसके बाद नेम सेम ही आएगा जैसे सब में आता है। ठीक है, नेम में क्या आएगा, फ्लेवर कर लेते हैं उसको, स्पेलिंग को भाई एडजस्ट कर लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा अगर गलत हो जाए तो। टाइप नेम, नेम के बाद क्या आता है, मैसेज, मैसेज में हम क्या लिखेंगे, टेल अस फ्लेवर्स। उसके बाद जैसे हम लिस्ट में चॉइसेस दे रहे थे वैसे ही हम चेक बॉक्सेस में भी चॉइसेस बनाएंगे। तो उसी तरह मैं यहाँ पे बना लेता हूँ भाई कौन सा पिज्जा चाहिए, फजीता, ये कौन से होते हैं भी बता दें, मैं भूल गया हूँ, ये पिज्जा का मैं शौकीन नहीं हूँ तो याद नहीं मुझे कौन से होते हैं। ये 3 फ्लेवर मैंने लिख दिए, पता नहीं ये होते भी हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो चॉइसेस आ गए। ठीक है, अब इनको यूज करने के लिए मैं अगर कंसोल भी बना लूँ नीचे, इसके अंदर लिख लेते हैं भाई यू हैव ऑर्डर्ड फ्लेवर्स। ठीक है, फ्लेवर्स,
उसके बाद में यहाँ पे कामा देके अब कौन से फ्लेवर्स हैं, जो भी फ्लेवर्स होंगे वो इस नाम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे एक्सेस करूंगा, मेन वेरिएबल का नाम पिज्जा, पिज बाय लिख दिया ना, मैं इसको पिज्जा कर लेता हूँ, पिज्जा बाय नाम पे कर दिया, पेस्ट डॉट फ्लेवर। तो ये हो गया हमारा फ्लेवर, ये नाम, स्पेलिंग चेक कर लेनी है, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक होगी तो काम नहीं होता। स्टेटमेंट खत्म हुआ हमारा, आ जाते हैं भाई प्रिंट करवाने। इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो चॉइसेस, चेक बॉक्स जो है वो इस तरह से आएगा, ये समझे, ये बॉक्स है आपके, जो पेरेंथेसिस आ रहे हैं राउंड ब्रैकेट, ये बॉक्सेस है। अब इन पे क्लिक करने से नहीं होगा हमारा सिलेक्ट, कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्रेस स्पेस टू सिलेक्ट, ए टू टॉगल ऑल, ठीक है, आई टू इन्वर्ट सिलेक्शन। अब ये जैसे मैंने स्पेस किया, फजीता सिलेक्ट हो गया, अगेन स्पेस किया हट गया, पेपरोनी पे स्पेस किया आ गया, ठीक है। तो इस तरह से स्पेस से आपका होगा, ए से क्या होगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास कह रहा है आई से क्या होगा, इन्वर्ट सिलेक्शन होगी, जैसे मैंने पेपरोनी सिलेक्ट कर लिया, अब बाकी दोनों सिलेक्टेड नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ पेपरोनी हट जाए बाकी दोनों सिलेक्ट हो जाए तो आई कर लूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है भाई, इनको हटा देता हूँ भाई, मुझे इटालियन और पेपरोनी चाहिए, ठीक है। दोनों को क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा। तो यू हैव ऑर्डर दीज फ्लेवर्स, कौन कौन से ऑर्डर किए हैं भाई, पेपरोनी और इटालियन। तो देख लेते हैं भाई, चैट बॉक्स में बताएं मुझे, क्लियर हो गया, समझ आ गया जो हमने अभी किया है, क्या किया अभी, चेक बॉक्सेस, ठीक है। टाइप ये कौन सा टाइप है, चेक बॉक्स प्रॉम्प्ट है। अच्छा, इन पे आप लोगों ने ना मजीद प्रैक्टिस भी करनी है खुद से, जैसे मैंने यहाँ पे ये बता दिया, अब मैंने ये तो सिलेक्ट कर लिया, अब ये देखिए ये एरे में बता रहा है हमें, ठीक है। तो ये चेक बॉक्सेस की ये खासियत होती है, जो आप चॉइसेस जिस तरह एरे में बनाते हो वैसे ही आपको वो एरे में बता देता है। अगर आप एक भी कोई सिलेक्ट करते हैं, लेट से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे तो दो सिलेक्ट किए ना, अगर कोई एक भी करता वो भी मुझे एरे में बताता, मैं फजीता कर लेता हूँ तो इससे मुझे एरे में बता दिया। अब इसको, इस पे अगर मजीद ऑपरेशन करने हो ना, तो वो एरे के रूल्स यूज करने पड़ेंगे। इसको एक्सेस कैसे करेंगे एरे को, जिसको आता है जावास्क्रिप्ट, मुझे चैट बॉक्स में बताया, अगर मुझे एरे को, इसको फजीता को एक्सेस करना है एरे के अंदर से, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा। अब एरे का नाम हमारे पास क्या है, एरे का नाम ये है हमारे पास, ठीक है। तो डेट से मैं कहता हूँ डेट, ये हमारा एरे है, एरे इज इक्वल टू, ये हमारा एरे है, जो भी नया वैल्यू आएगा वो इस एरे के अंदर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सही बता रहा है, इंडेक्स नंबर से, ग्रेट, वेल डन। इंक्लूड से नहीं होगा, इंक्लूड से तो हम चेक करते हैं ना, इंडेक्स नंबर से करेंगे। अब जैसे मुझे फजीता को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल के अंदर अगर मुझे सिर्फ फजीता करवाना है, तो मैं एरे के साथ इंडेक्स लिख दूंगा वन, सॉरी वन नहीं लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो इसको सेव कर लेते हैं, मैन.js, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक में कर लेता हूँ फजीता, दूसरा पेपरोनी, एंटर किया। देखिए ये तो आ गया हमारे पास, फजीता को एक्सेस कर लिया मैंने इसके थ्रू। तो एरेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं है, इंटरनेट से देख लीजिएगा, बाकी आगे वैसे पढ़ना तो है हमने, ठीक है। तो क्लासेस में भी ये टॉपिक हुआ नहीं है, तो इसलिए हम अभी आ जाते हैं कन्फर्म के ऊपर। कन्फर्म में क्या होता है, इजी है, आस्क द यूजर फॉर अ येस और नो रेस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड भी होता है, वो यहाँ पे मिक्सअप हो गया है, ठीक है। तो कंफर्म देख लेते हैं क्या होता है, कंफर्म में बस येस और नो में पूछना होता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आ जाते हैं नंबर 4 पे। यहाँ तक क्लियर है, येस लिख लें चैट बॉक्स में, प्लीज डू सम इंटरेक्शन, चुप मत बैठे हैं, ठीक है, कुछ तो बोले, चैट बॉक्स में ही बता दे, माइक ऑन नहीं कर रहे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ भाई 4, नंबर 4 है ना हमारा, क्या होगा, कंफर्मेशन, कंफर्म प्रॉम्प्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा, चैट बॉक्स देख रहा हूँ, किसी का भी कोई मैसेज, इतना इतने मैसेजेस नहीं आ रहे, एक दो ही आ रहे हैं बस, क्लियर, यस क्लियर, बाकियों को लगता है क्लियर नहीं हो रहे, या फिर मेरी तरह नींद आ रही है, ठीक है। तो भाई कंफर्म देख लेते हैं, वही तरीका है, कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट के बाद वेरिएबल का नाम क्या दें, अब मुझे क्या कंफर्म करवाना है, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आर यू ग्रेजुएट और नॉट ग्रेजुएट, तो मैं कहता हूँ क्वालिफिकेशन नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है।
का नाम दे देते क्वालिफिकेशन। अवेट, अवेट के बाद क्या लिखेंगे? माइक ऑन करके ही कोई बता दे मुझे प्रोसेस। अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स, अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखेंगे? टाइप, अब यहाँ पे टाइप हमें चेंज करना है। टाइप में हम लिखेंगे कंफर्म। तो देखें यहाँ पे हमें सजेशन भी मिल रहा है वीएस कोड की मदद से। नेम उसी तरह आएगा भाई। नेम में क्या लिखें? नेम में कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करें भाई? मैसेज, मैसेज में मुझे सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? आर यू ग्रेजुएट, सवाल कर लेते हैं आर यू ग्रेजुएट। बस ये तीन चीजें देनी होती है हमें कंफर्मेशन में, ठीक है। तो अब मुझे एक्सेस भी करना है, लेट्स से मैं कंसोल में एक्सेस भी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर लिख लेता हूँ यूअर आंसर इज, और यहाँ पे कामा करके एक्सेस कैसे करूंगा? क्वालिफिकेशन डॉट क्वाल। क्या आई होप कि क्लियर हो रहा होगा? इजी है, मुश्किल नहीं, ठीक है। नींद आ रही है सबको भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ ना। अब आपने भी सच बोल दिया ना, देखें सच निकल जाता है। तो भाई आ जाते हैं यहाँ पे, इसको कर लेते हैं क्लियर। क्लियर के बाद नोड मेंड और जेस, ठीक है। वैसे मैम हिना भी सही कह रही थी, अपना लॉक तो जो है वो शैतान होना चाहिए। यहाँ पे मुझे सब लॉक लग रहे हैं, सब लॉक हो गए, सब कैद हो गए भाई। आर यू ग्रेजुएट, देखें आर यू ग्रेजुएट। अब वाई और एन खुद ही आ गया, ठीक है। वाई स्लैश एन खुद ही आ गया। मैंने क्या लिखा था? आर यू ग्रेजुएट। तो येस और नो में मुझसे पूछ रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? वाई और एन। वाई लिखूंगा तो देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। योर आंसर इज टू, ठीक है। अभी जो आपने येस लिखा, बेसिकली ये आपने येस तो लिखा है, लेकिन इसका जो डेटा टाइप होगा वो ट्रू या फॉल्स में, यानी बूलियन में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं नो लिखता तो वो फॉल्स आ जाता, येस लिखा तो ट्रू आ रहा है। इसका डेटा टाइप भी आप चेक कर सकते हैं, योर आंसर इज ट्रू। मैं अगर यहाँ पे दोबारा से करवा लूँ मैन डॉट येस, और मैं यहाँ पे एन लिख दूँ, ठीक है, तो मेरे पास फॉल्स आ गया, योर आंसर इज फॉल्स, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, ठीक है। तो इसको आप ट्रू और फॉल्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन लगानी हो कि भाई इफ अगर बंदा हो अपना ग्रेजुएट हो तो वो एडमिशन ले सकता है मास्टर्स में, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो मास्टर्स में। अभी आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी तो होमवर्क मैं दूंगा, ये भी होमवर्क उसमें ऐड कर ले। आप लोगों ने क्वालिफिकेशन पूछनी है, अगर वो ग्रेजुएट हो तो आपने कंसोल में प्रिंट करना है यू कैन टेक एडमिशन, गेट एडमिशन इन मास्टर्स। अगर ग्रेजुएट नहीं हो, फॉल्स बताए, तो भाई यू कैन नॉट गेट एडमिशन इन मास्टर्स, ये आप लोगों ने प्रिंट करके दिखाना है। तो ये हो गया। अच्छा, इसका डेटा टाइप भी चेक करके दिखाता हूँ मैं। कंसोल डॉट लॉग, डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? ये टाइप मैंने ऑफ, डेटा था टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ के बाद यहाँ पे मुझे किसका डेटा टाइप चेक करना है? इसका, तो यहाँ पे रख लेते हैं। चलें देखते हैं डेटा टाइप हमें क्या हो, क्या बताना चाहिए डेटा टाइप, चैट बॉक्स में बताएंगे। सर ये इफ चेन ब्लॉक में करना होगा ना, इफ चेन ब्लॉक में जी। ब्लॉक जैसे मैंने अभी यूज किया था ना, ये कोड तो वैसे ही मैं शेयर करूंगा, जैसे मैंने ये यूज किया था ना, एज इट इज ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है जी। तो बूलियन, एग्जैक्टली बूलियन ही देगा, गुड। तो मैं यहाँ पे वाई करके जैसे इंटर करूंगा, तो देखें इसे मुझे डेटा टाइप क्या बता दिया? बूलियन। इसे मुझे डेटा टाइप बता दिया, तो ये होता है बूलियन, ठीक है। तो ये था कंफर्मेशन। इसी तरह पासवर्ड भी होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पासवर्ड देख लेते हैं हम। कमेंट आउट कर लिया मैंने, तो आई थिंक ये हमारा फिफ्थ टाइप है, ठीक है। पासवर्ड, उसी तरह हमें कॉन्स्ट बनाना है, वेरिएबल बनाना है, ठीक है। वेरिएबल में पासवर्ड बार के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। अवेट करवा लेते हैं इसको, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा कि भाई प्रॉम्प्ट कितना मुश्किल से बन रहा है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट में तो बहुत इजी है, वेब पेज के ऊपर तो अभी यहाँ पे भी बन जाएगा, लेकिन अभी हम वेब पेज पे गए नहीं है, तो बहुत ही इजी बन जाता है। बस प्रॉम्प्ट लिखो और आपके पास आ जाता है, लेकिन उसमें इतने टाइप्स नहीं होते, उसमें बस नंबर और स्ट्रिंग के ही टाइप्स होते हैं।
अवेट इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम ब्लॉक स्टार्ट कर लेंगे। उसके अंदर मैं लिखूंगा टाइप पासवर्ड, ठीक है, टाइप क्या होगा हमारा पासवर्ड, और नेम इसी तरह, नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे चले यूअर पासवर्ड कर लें उसको, यूअर पास कर लें। उसके बाद मैसेज में आप एज यूजुअल यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैसेज लिखेंगे भाई इंटर योर पासवर्ड, चल। उसके बाद आते हैं, अच्छा पासवर्ड को गेट भी कर लेते हैं ना, कंसोल में देख भी लेते हैं, वैसे तो ये हमें नहीं दिखाएगा लेकिन कंसोल में हम देखेंगे भाई, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। तो कैसे देखेंगे, पासवर्ड बार, ठीक है, ये नाम लिख दिया हमने, डॉट के बाद हम क्या करेंगे, यूअर पास लिखेंगे, यूअर पास, तो ये स्टेटमेंट ओवर, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, और ऑटो कंपाइलेशन पे ऑन है, ठीक है, तो इसको भी क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है जी। तो आते हैं यहाँ पे नोड मेन डॉट, एंटर योर पासवर्ड, इनपुट इज हिडन, ठीक है, तो आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे, देखिए मैं अभी टाइप कर रहा हूँ तो ये इस तरह से कुछ नजर ही नहीं आ रहा मैं, ठीक है, लेकिन टाइप मैंने बहुत कुछ कर लिया है, ब्ला 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 पता नहीं क्या टाइप कर लिया है, तो जैसे ही एंटर करूंगा तो क्योंकि मैंने कंसोल दिया हुआ है तो मुझे नजर भी आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखें कंसोल के अंदर मुझे दिखा दिया इसने कि भाई आपने ये टाइप किया है पासवर्ड। दोबारा कर लेते हैं नोड मेन डॉट जेस, ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, इस पासवर्ड पे भी आप कंडीशंस यूज कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट की, ठीक है, अगर पासवर्ड ये हो तो बता दो लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, इफ, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके बता देता हूँ, इस पासवर्ड विद योर पास, अच्छा माइक्स ऑफ कर लें, किसी की शायद माइक जो है वो ऑन रह गया, तो माइक्स ऑफ कर लें, अगर सवाल हो तो फिर आप माइक ऑन कर लीजिएगा। तो अगर पासवर्ड ये हो, क्या हो भाई पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड हो एडमिन, तो उसको बता दो कि लॉग इन सक्सेसफुल। तो ये मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, ये आप लोग का होमवर्क है भाई, एक ये होमवर्क है, दूसरा वो आपके पास कोर्स वाला होमवर्क था, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं भाई, पासवर्ड मैंने देखे दोबारा नोट मैन डॉट जेस कर लिया, अब एबीसी लिखता हूँ, एबीसी नजर नहीं आ रहा मुझे, यहाँ पे एंटर करूंगा तो कंसोल में मुझे दिखा देगा कि ये मैंने पासवर्ड एंटर किया। तो ये हमारे कुछ जो है वो यूज होने वाले, ज्यादा यूज होने वाले कह लें टाइप्स थे, ठीक है, इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं लेकिन उनपे हम अभी नहीं जा रहे, वो देख लीजिएगा, या फिर एक काम करते हैं चैट जीपीटी में हम देख लेते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो आप जस्ट चैट जीपीटी में इस तरह लिख लें, अच्छा चैट में साथ साथ मुझे बता दें, ये पासवर्ड वाला भी समझ आ गया सबको, ठीक है, अच्छा चैट जीपीटी में क्या लिखना है भाई, टाइप ऑफ, टेल मी ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंक्वायरर डॉट जेएस, ठीक है, इंक्वायरर डॉट जेएस, तो मुझे सारे टाइप्स बता देगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनपुट प्रॉम्प्ट हमने देख लिया था, नंबर भी देख लिया, कंफर्म, लिस्ट, रॉ लिस्ट, अच्छा रॉ लिस्ट और लिस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता, एक ही चीज है, ये यूज भी नहीं है, जो मैंने करवाया है ना अभी ऑलमोस्ट वही यूज हो रहे थे, उनमें से भी कम ही यूज होते हैं, चेकबॉक्स यूज होता है, पासवर्ड प्रॉम्प्ट, एडिटर प्रॉम्प्ट, ठीक है, डेट एंड टाइम प्रॉम्प्ट, अलाउज यूजर टू सिलेक्ट अ डेट और टाइम, तो ये कुछ है, इनको आप यूज कर सकते हैं, अच्छा इसी को कहे यहाँ पे भाई कि चले उर्दू में ऊपर जो आपने बताया है, आपने टाइप्स बताए हैं उनके एग्जांपल्स बता दें सबके, ठीक है, सबके बता दें, चले ये भी आपको बता देगा, ठीक है, तो देखें सबके वन बाय वन आपको बता रहा है एग्जांपल्स, इस तरह चैट जीपीटी का फायदा उठाए भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी दौर में यूट्यूब वॉज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, नाउ चैट जीपीटी इज द बेस्ट टीचर, ठीक है, तो अभी जंग है यूट्यूब और चैट जीपीटी के अंदर, तो यूट्यूब भी वैसे अच्छा टीचर है, हर चीज यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स में जो जिस तरह वीडियोज में समझ आती है वो शायद यहाँ पे समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको हर चीज जो इससे पूछेंगे वो आपको बता देगा, ठीक है, तो ये देखें डेट टाइम किस तरह यूज करते हैं, ये नेम वैसे ही लिखेंगे, मैसेज वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, अच्छा इसका टाइपिंग का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, कॉन्स्ट इंक्वायरर ये जो यूज होता है ना ये पुराने वर्जन में यूज होता था, तो नए वर्जन में इम्पोर्ट करते हैं, जो हमने इम्पोर्ट वाला मेथड यूज किया है, ठीक है,
बाकी ये मेथड आपका चल जाएगा, या फिर यहाँ तक आप लिख लें, ठीक है, जैसे हमने बनाया था वैसे बना ले, यहाँ से तो सेम ही होगा ना, डॉट प्रॉम्प्ट के बाद से सेम ही होगा, कंसोल बना दे, ठीक है। बाकी ये मेथड सीख देखना चाहें तो ये भी इजी है मेथड, कोई मसला नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, तो अभी होमवर्क पे आ जाते हैं। चैट बॉक्स में क्लियर लिख लें, ठीक है जी। चैट जीपीटी हर लैंग्वेज समझता है भाई, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बता दो उसको, कोई भी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जैसे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे लैंग्वेजेस समझता है, ठीक है। बाकी भी कंट्रीज के स्पेनिश वगैरह के। जी दानिश, आप सवाल पूछें। सलामुअलैकुम जी वालेकुम सर। सलाम। जैसे ये मैसेज में हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उसमें यूजर से लिखवाते हैं, तो वो अगर लोअर केस में लिखे और हमारे पास जो है वो शो हो जाए अपर केस में, तो इस तरह का उसमें डॉट करके कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, कंसोल के अंदर ये लिखा है ना, अब इसको अगर मैं डॉट करके टू अपर केस वाला मेथड यूज करूँ, ठीक है, आप ऐसे ही कह रहे हैं जी, मैंने किया अपर था केस मगर हुआ नहीं सर। हो जाना चाहिए टू अपर केस, ठीक है, हो सकता है आपने कमांड में कुछ मिस्टेक कर दी हो, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ जी से। अच्छा, ये जो भी ये देखिए, ये भी मेथड हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा, जो जो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं वो आप यहाँ पे यूज करें, आज तक जो जो हमने इंक्वायरर में जो भी चीजें पढ़ी है ना, आप इन पे लूप्स यूज करें, ठीक है। इंक्वायरर को आप जो है ना सोने नहीं दें, आप इंक्वायरर को तंग करके रखें, जो जो आपने लॉजिक्स पढ़े वो सारे यहाँ पे लगाए। अब ये टू अपर केस करके देख लेते हैं, मैंने भी नहीं किया लेकिन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नोड मेन डॉट जेएस, अब ये पासवर्ड पूछेगा मुझसे, ठीक है, तो पासवर्ड में एबीसी लिखता हूँ लोअर केस में, एंटर किया, तो देखें इसने पासवर्ड मैंने लोअर केस में लिखा था, इसने मुझे डॉट टू अपर केस करके दिखा दिया, ठीक है, तो क्लियर है। अच्छा जी सर, जब हम एरे में कोई चीज लिखते हैं तो उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं तो एरर क्यों आता है? एरे में कोई चीज लिखते हैं, ये सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ, अगर आप रिपीट कर सकते हैं। तो एरे में तो हम कोई भी चीज लिखते हैं ना, एलिमेंट्स लिख दिए आपने, ठीक है, नंबर्स लिख दिए, टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, उसमें आपको टाइप बताना पड़ता है कि एरे के अंदर आप क्या लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं आप, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है जी। ब्रैकेट में लिखते हैं, एरे में आप शायद स्क्वायर ब्रैकेट कहना चाह रहे हैं ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, जैसे जो जो सेंटेक्स हमें बताया गया है वही फॉलो करना है ना, अपना सिंटैक्स थोड़ी यूज करना है, कंसोल डॉट लॉग के यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ, अब मेरी मर्जी थोड़ी चलेगी, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लूँ, अब वो बता रहा है कि हमें राउंड ब्रैकेट यूज करने हैं तो वही यूज करना, लेकिन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो ये नहीं चलेगा भाई, जो उसने बताया वही चलेगा, ठीक है, तो ये हटा देते हैं वापस। तो चले ऑलमोस्ट सबको क्लियर ही है, तो अब आ जाते हैं होमवर्क के ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छा होमवर्क बनाया मैंने, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बना दिया है, तो इस पे जरूर मैंने भी मेहनत की, आप भी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। मैं कहने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये वही कैलकुलेटर है जो मैंने बनाया था, बस उसी की आपने दोबारा बना के प्रैक्टिस करके मुझे चेक करवाना है, ठीक है। एक तो ये होमवर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अच्छा ये जो है ना, ये भी बड़ा इजी है, इफ की यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करने हैं, फेल्स वाले, ठीक है। क्रिएट अ फीस कैलकुलेटर सच दैट यूजर सिलेक्ट्स अ कोर्स इन प्रॉम्प्ट, अब जैसे सबसे पहले तो यूजर कोर्स सिलेक्ट करेगा, ठीक है, आपने क्या करना है, अगर उसने पाइथन सिलेक्ट किया या जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट किया तो आपने इफ की कंडीशन यूज करनी है कि अगर जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करे तो ये फीस होनी चाहिए, कोर्स ये आ जाए, टाइमिंग ये आ जाए, ठीक है, हर कोर्स की डिफरेंट टाइमिंग होनी चाहिए, डिफरेंट फीस होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने बनाना है, ठीक है, होमवर्क समझ आ रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ना, ये इनमें हमारे एरे और लूप्स यूज होंगे, तो जिनके पढ़े हुए हैं ये उनके लिए, खास करके जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं हमारे पास जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो ये उनके लिए क्या करना है, क्रिएट अ टॉस प्रोग्राम, टॉस जैसे हम टॉस करते हैं, ठीक है, आस्क यूजर इन लिस्ट प्रॉम्प्ट टू सिलेक्ट हेड्स और टेल्स, इस तरह से आपने लिस्ट प्रॉम्प्ट में हेड या टेल सिलेक्ट करवाना है यूजर से, जनरेट अ रेंडम रिजल्ट, अच्छा टॉस शेल जनरेट अ रेंडम रिजल्ट एंड इफ यूजर, अच्छा टॉस ने क्या करना है, एक रेंडम रिजल्ट भी जनरेट करना है, एक तो आपने सिलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद टॉस होता है तो वो आता है कि नहीं आता वो भी तो पता चले, तो यहाँ पे मैथ डॉट रेंडम वाला मेथड यूज होगा, ठीक है, ये दोनों एरे के अंदर रखेंगे, मैथ डॉट रेंडम से चूज करेंगे कोई भी रेंडम, तो अगर आपका और उसका कंप्यूटर का सेम आ जाता है तो क्या आएगा रिजल्ट, टॉस रिजल्ट हेड्स, आपका भी हेड्स था, कंप्यूटर ने भी हेड्स किया, तो
यू वॉन द टॉस, अगर नहीं आता तो यू लूज द टॉस आदर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आप लोगों की, क्वेश्चन नंबर 8 की, ये है रॉक पेपर सीजर्स की, ठीक है। रॉक पेपर सीजर्स आप लोगों को पता है जी, एग्जैक्टली जैसे चैट में आपने कहा रॉक पेपर की तरह है, तो रॉक पेपर का भी आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो रॉक पेपर सीजर्स अगर किसी को नहीं पता तो वो इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। इसमें भी हमारे पास क्या क्या यूज होंगे बता देता हूँ। इसमें हमारे पास लूप यूज होगा, सॉरी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होंगे, ठीक है। लूप इन सेंस आप तभी यूज करेंगे जब आप लोगों ने कंटिन्यू करवाना हो, कंटिन्यू रखना हो, तो वो भी मैंने यहाँ पे किया है, दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह किया है मैंने, ठीक है, ये दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज एरे यूज होगा, ठीक है। तो ये एरे और लूप आप लोगों के लिए सिर्फ न्यू होगी जिन्होंने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट वालों के लिए बहुत ईजी। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले इस तरह आना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे लूप लगाई है, ठीक है। लूप में वो आपका कंटिन्यू करेगा, और ये पूछेगा भी कि अगर प्ले पे करना है तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा, एग्जिट पे करना है तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो प्ले करना है, प्ले के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टू फिगर टू वाला रॉक पेपर या सीजर कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे। थ्री में क्या होगा, आपको बता देगा कि भाई आपने क्या सिलेक्ट किया था और कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया था। आपने पेपर सिलेक्ट किया था, कंप्यूटर ने क्या सिलेक्ट किया, सीजर्स, तो कौन जीता, कंप्यूटर। तो ये रूल्स भी आप लोग देख लीजिएगा नेट से। तो उसके बाद देखें दोबारा आ रहा है हमारे पास, डू यू वांट टू प्ले और एग्जिट। तो इस तरह आपके पास बार बार ये आना चाहिए, आप अगेन प्ले करें तो आपका ये जो लूप है वो चलता रहे। तो आई होप के यहाँ तक आप लोगों को होमवर्क जो है वो समझ आ गया होगा। माई एरे इज इक्वल टू एप्पल्स ऑरेंजेस मैंगोज, ठीक है, इस तरह बनाते हैं। अच्छा जी, रॉक पेपर की तरह, ठीक है। चले कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे, हम सेशन को एंड कर लेते हैं फिर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं।